से नागपुर के हवाई अड्डे पर पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से नागपुर के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे बात की। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने कांग्रेस के नीतियों के बारे में कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों की आशाओं पर खरे उतरे। मोदी इन्हें जनता की बहुत बड़ा जनाधार है, लोग मोदी सरकार से काफी है। पूर्ण शांतता आहे। गेले अनेक वर्ष जी लांगूल चालनाची नीती काँग्रेस पक्षाने भारतामध्ये आणली, त्यामुळेच समाजामध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे। आता ती दुफळी दूर करून आपण सगळे एका भारत मातेचे पुत्र आहोत अशा प्रकारची भावना देशामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न आहे। आणि ज्या प्रकारे देशाला मोदीजी नेतृत्व देत आहेत, त्याच्यामुळे देशामध्ये मोदीजींच्या प्रति खूप मोठ्या प्रमाणात लोक आकृष्ट होत आहेत आणि त्यामुळे ही मळमळ त्यांची बाहेर येते। नवाब मलिक पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि आरोप पत्र में नवाब मलिक के संबंध दाऊद गैंग से होने का खुलासा हुआ है। नवाब मलिक अब जेल में है, तो वही ओबीसी के मुद्दों को लेकर फडणवीस ने कहा कि यदि महाविकास आघाड़ी सरकार इंपेरिकल डेटा बना कर देती तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कब का हल हुआ होता, लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ओबीसीच्या आरक्षणाकरता कुठली धडपड करत नाही, मात्र त्याचवेळी जेलमध्ये असलेले आणि डी गँगशी संबंध असलेले नवाब मलिक हे मंत्रिमंडळात राहायला पाहिजे याकरता या सरकारची धडपड आपण पाहतोय। याच्यापेक्षा अर्धी धडपड जरी ओबीसी आरक्षणाचा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याकरता या सरकारने केली असती तर ओबीसी आरक्षण कधी गेलं नसतं। बाकी मुद्दों के साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, खून डकैती जैसे अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी बात करते तो जनता को कुछ राहत महसूस होती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।